दोस्तों क्या आपको पता है कि जिस तरह से डेथ नोट है उसी प्रकार से एक डेथ इरेजर भी है, और भी कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में जो कि आपकी दिमाग को हिला कर रख देंगी। और दोस्तों अगर आप डेथ नोट के फैंस हो तो ये वीडियो तो आपको बहुत ही मजा देने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। डेथ नोट नेटफ्लिक्स की एक ऐसी सीरीज जिसने सभी फैंस के बीच में तबाही मचा दिया। दोस्तों ऐसे ही नहीं, इसे IMDb पे 10 out of 9 की रेटिंग मिली है। और दोस्तों डेथ नोट जो सीरीज है वो मोस्ट पॉपुलर माना जाता है। जिन्होंने डेथ नोट नहीं देखा है उनको मैं बता दूं कि ये कहानी है एक लड़के की, हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिसे एक सुपर नेचुरल बुक मिलता है जिसका नाम है डेथ नोट, और उस नोट पर वो जिसका भी नाम लिखेगा उसकी मौत हो जाएगी। 4 अक्टूबर 2006 को जापान में इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज किया गया। दोस्तों अगर आपने डेथ नोट देखा है तो आप रियुक को तो जानते ही होंगे, पर दोस्तों क्या आपको पता है जो मांगा राइटर थे डेथ नोट के, उन्होंने पहले रियुक को ह्यूमन बॉडी देने का सोचा था। दोस्तों उन्हें लगा कि ह्यूमन बॉडी ड्रॉ करना तो आसान होगा, पर वो कुछ अलग दिखाना चाहते थे, इसीलिए रियुक की बॉडी को ह्यूमन बॉडी ना देकर कुछ अलग ही दिया। और रियुक जो करेक्टर है वो सभी फैंस को बेहद ही पसंद आया है। आपको पसंद है कि नहीं रियुक कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर हम डेथ नोट पर किसी पर्सन का नाम लिख रहे हैं पर गलती से हमने उसका नाम गलत लिख दिया और ऐसा हमने 4 बारी कर दिया तो उस पर्सन को कभी भी डेथ नोट की मदद से नहीं मारा जा सकता है। डेथ नोट का जो मांगा है उसकी कॉपी 30 मिलियन से भी ज़्यादा बिकी है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डेथ नोट सिर्फ एनिमे सीरीज ही पॉपुलर नहीं है, उसका मांगा भी बेहद पॉपुलर है। दोस्तों अगर आप लाइट को जानते हैं तो आप एल को तो जानते ही होंगे डेथ नोट में, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि एल का पूरा नाम क्या है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। पर दोस्तों उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एल का पूरा नाम है एल लॉलियट। क्या आपको पता है कि मांगा में डेथ इरेजर भी था, यानी कि अगर कोई पर्सन मर जाता है, यानी कि हमने डेथ नोट पर किसी पर्सन का नाम लिख दिया और उसके बाद वो मर जाता है तो हम उसे जिंदा भी कर सकते हैं। अगर उसकी लाश को जलाया नहीं गया है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डेथ इरेजर से बस उस नाम को मिटा देना है और उसके बाद वो पर्सन दोबारा से जिंदा हो जाएगा। पर कंडीशन एक होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को जलाया ना गया हो या फिर उसके शरीर को ख़त्म ना किया गया हो, तो उसमें जान वापस आ सकती है। पर दोस्तों एनिमे बनाते वक्त इस डेथ इरेजर को एनिमे के पार्ट से ही रिमूव कर दिया गया और उसमें डेथ इरेजर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। पर आपका क्या मानना है, अगर डेथ इरेजर होता तो ज़्यादा अच्छा होता या डेथ इरेजर नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या आपको पता है कि डेथ नोट के जो राइटर्स हैं उन्होंने सोचा था कि जो डेथ नोट है वो लाइट के पास तो होगी पर साथ ही में उसके एक स्कूल फ्रेंड के पास भी होगा ऐसा ही सेम बुक। पर दोस्तों बाद में उनके दिमाग में कुछ चेंजेस आए और इसकी वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आपका फेवरेट करेक्टर कौन है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप भी अपना एक फन फैक्ट बताना चाहते हैं तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एनिमे रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।